हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत दोबारा हमारे चैनल में। मैं अमित सेमवाल स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत बर्फीले पहाड़ों से। और मैं निशा, बर्फीले पहाड़ों से हम स्वागत करते हैं आपका, बिकॉज मनाली आए और बर्फीले पहाड़ ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे भी मतलब इससे पहले जनवरी में दिसंबर में हुई होंगी यहाँ स्नोफॉल, तो वो बची हुई है माउंटेन में, और देखिए कितने खूबसूरत वो पहाड़ लग रहे हैं। तो गाइज, अगर न्यू हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको हमारे कॉन्टेंट पसंद आते हैं, और लाइक शेयर कॉमेंट तो बनता ही बनता है। और आज हम कहाँ जाने वाले हैं ये हमको भी नहीं पता है। हम सोच रहे हैं कि हम मनाली साइड निकलते हैं, थोड़ा आगे की तरफ होके आते हैं, थोड़ा गांव एक्सप्लोर करते हैं, मतलब जहाँ तक जा पाएंगे देखते हैं, कहाँ तक जाते हैं आपको ही पता चल जाएगा। हमको भी नहीं पता वैसे तो कहाँ जा रहे हैं। हम तो यहाँ पे जो नगर रोड है खकनाल, वहाँ पे रुके हुए हैं, तो यहाँ से मनाली थोड़ा दूरी पे है, तो मनाली चलते हैं, देखते हैं क्या क्या हम देखते हैं, और जो भी देखेंगे वो आपको भी दिखाएंगे। तो हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए और हमारे साथ सफ़र कीजिए और देखिए हमें क्या क्या मिलता है। तो गाइज, जैसे कि हमारा होम स्टे था कुल्लू नगर रोड में, तो आज हमारा सफ़र था अटल टनल के बाद की औसम दुनिया देखना, आपको अटल टनल का सफ़र करवाना। बट उससे पहले हम आपको आगे रास्ते भी दिखाएंगे जो कि बहुत खूबसूरत होने वाले हैं, और आप आगे देख रहे होंगे कितना सुंदर व्यू है। मनाली में व्यू ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बहुत सुंदर सुंदर व्यू हैं। और जैसे कि आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड अगर आप जाते हो तो वो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे शुरू हो जाता है, बट हमें जाना था सीधे सोलांग वैली होते हुए अटल टनल की तरफ। और जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे दोनों तरफ, एक तरफ तो आपको गाड़ियाँ पार्क करी हुई दिख रही होंगी, दूसरी तरफ आपको काफ़ी सारे होटल्स रेस्टोरेंट मिलेंगे, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में मोमोज़ की शॉप भी थी जो कि हमें काफ़ी पसंद आई। वो आंटी काफ़ी अच्छी मोमोज़ बनाती थी, तो जितने दिन हम मनाली में रहे उतने दिन हमने मोमोज़ खाए और हमें बहुत अच्छे लगे। और आगे का सफ़र जैसे कि आप देख रहे होंगे काफ़ी काफ़ी सुंदर ऑसम व्यू, मतलब वाओ ही निकल रहा था जैसे हम इन व्यूज़ को देख रहे थे। और आगे बर्फीले पहाड़ भी आपको दिख रहे होंगे, और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, किनारे व्यास रिवर बह रही है और ये इतने सुंदर बादल आपको दिख रहे होंगे। तो चलिए हमारे इस खूबसूरत सफ़र में आप भी सफ़र कीजिए और इन खूबसूरत वादियों का मज़ा लीजिए। सीधे डेस्टिनेशन को पहुंच जाए ऐसा होने वाला है नहीं, बिकॉज रास्ते में इतने सुंदर सुंदर व्यू आए हैं, तुमको छोड़ के जाए हम ऐसा हो ही नहीं सकता, और आपको दिखाए बिना तो बिल्कुल नहीं। देखिए व्यास नदी का कितना सुंदर सा एक अमेजिंग व्यू यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है, चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़, बीच में नदी बहती हुई। बट एक अफसोस है कि यहाँ पे काफ़ी गंदगी भी हो रखी है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अदरवाइज यहाँ पे ये व्यू देखिए आप, नदी कितनी तेज उफान में बहती हुई है, अच्छा लग रहा है इसका। और गहरा होगा बता दो यहाँ पे, वो देखिए यहाँ पे देखिए दूध की धारा लग रही है। लोगों को देखो कैसे घोड़े की सैर कर रहे हैं, है तो सही टूरिस्ट थोड़ा बहुत, ये बर्फ तो नहीं है, बर्फ नहीं है अब तो पिघल गई सारी बर्फ, थोड़ी बहुत जो बची हुई है वो कीचड़ टाइप की हो रही है, तो उसमें तो कौन खेलेगा। ऊपर की तरफ है, ऊपर तो काफी सारी है, बट है टूरिस्ट भाई, अभी भी थोड़ा बहुत टूरिस्ट है, खाली नहीं रहता। ये देखिए सोलांग वैली, अधिकतर लोगों ने देखी होगी, बर्फ़ फिलहाल नहीं है, थोड़ी बहुत बर्फ़ है, ये जो नीचे की साइड को बर्फ़ है ना वो उतनी बढ़िया नहीं लग रही बिकॉज कीचड़ हो गया। और वहाँ देखिए वहाँ पैराग्लाइडिंग भी हो रही है, बट ऊपर जो पहाड़ है ना बर्फ़ के वो अमेजिंग लग रहे हैं, बट वहाँ तक तो पहुँच नहीं सकते हम, फिलहाल यहीं से देख लो आप सोलांग वैली। ठंडी ठंडी हवा बह रही है, पर ये ठंडी हवा ना अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ठंडी हवा, गर्म हवा अच्छी नहीं लगती। और देखिए जो पेड़ों के बीच में छन छन के जो बर्फ़ बची हुई है
हाँ हाँ ये बची रहे तो अच्छा लगता है, क्योंकि सीनरी और अच्छी बढ़िया बन जाती है। और सबसे जो ऊंचे है ना, जो सबसे ऊपर है, वहाँ तो बिल्कुल भर भर के बर्फ़ है, अच्छा है। और फिलहाल जो रास्ते के व्यूज़ है ना, वो काफ़ी बढ़िया है, इसे हम रोक रोक के जा रहे हैं, आपको भी दिखा रहे हैं। अरे वाह, यहाँ भी यही है, जितना ऊपर जाते रहो बर्फ़ आती रहेगी। जो ये किनारे की बर्फ़ है ना, ये थोड़ी मैली सी लग रही है, उसके अलावा जो ऊपर ऊपर की आप बर्फ़ देख रहे ना, बिल्कुल साफ़ है, अच्छी है। लोग जो है तो यहाँ भी चढ़ चढ़ के पिक्स क्लिक कर रहे हैं, जितने भी अभी हम देखे पीछे कर रहे थे। अब आगे देखते हैं क्या होता है, फिर से एक ब्रिज टाइप मतलब आ गया है। जो सड़क के आसपास बर्फ़ है ना, वो तो मैली हो चुकी है, तो उससे खेलने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। बट जो ये दूर दूर पहाड़ों पेड़ों के बीच में जो बर्फ़ है ना, वो काफ़ी साफ़ है। मन तो कर रहा है कि यहीं से टाप के चले जाऊं, बट नहीं जा सकती हूं, तो यहीं से देख रही हूं, यहीं से निहार रही हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए बर्फ़ का, आपको पता ना बर्फ़ का मैं मेरा एक्साइटमेंट लेवल हाई होता है, बट इतना हाई नहीं है कि इनसे टाप के जा सकूँ, बट यहीं से देखती हूँ, यहीं से फ़ोटोज खींचती हूँ, जो भी है। देखो यहाँ पर कितना बढ़िया लग रहा है पेड़ों के बीच में से बर्फ़। अरे वाह, अब हम अटल टनल से होते हुए जाएंगे। ओह माय गॉड, मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा लगता है। अरे वाह गाइस, हम अटल टनल के अंदर से गुजर रहे हैं। वाह अमेजिंग भाई साहब, नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल माय गॉड, अलग ही मजा है सच में। अटल टनल के अंदर अंदर ही अपने आप में एक बहुत ही अच्छा मोमेंट है, जो कि मैं फोन से भी कैप्चर कर रही। अलग ही खुशी है मतलब, पता है। और हम सोच रहे हैं क्रॉस करने के बाद क्या मिलेगा हमको, क्या मिलने वाला है। हाँ। हमको भी नहीं पता, मतलब हम तो आगे बंद हो जाएंगे। वाह, अरे वाह, इतनी खुशी, सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब आप आगे देख रहे हैं वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अटल टनल, जो कि पीर पंजाल रेंज में स्थित 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित, लंबाई है 9 किलोमीटर की, और इसको बोलते हैं रोहतांग सुरंग, और अटल टनल रोहतांग के रूप में भी हम इसको बोलते हैं। और ये है लेह मनाली हाईवे पे, जिसका उद्घाटन हुआ 3 अक्टूबर 2020 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से, और इस सुरंग का नाम पड़ा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। और ये जो अटल टनल है, ये मनाली और लेह के बीच में जो यात्रा है और दूरी है उसको कम करती है। इस सुरंग के खुल जाने के बाद मनाली से लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है। और इस जो अटल टनल है, इसके दो पोर्टल हैं, साउथ पोर्टल और नॉर्थ पोर्टल। साउथ पोर्टल से हम एंट्री करते हैं और एग्ज़िट करते हैं हम नॉर्थ पोर्टल से, जिसके बाद शुरू हो जाता है लाहौल स्पीति ज़िला। तो अब आप आगे के नज़ारों का मज़ा लीजिए हमारे साथ, और देखिए इन खूबसूरत वादियों को। अरे वाह गजब बैंक, माय गॉड, सीरियसली बताओ, ओ तेरी, मतलब आंखें नहीं खुल रही, सीरियसली मतलब, ओ गॉड, माय गॉड, सीरियसली, मेरे को तो बॉडी नहीं निकल रहे, और पता नहीं क्या निकल रहा, जो भी निकल रहा है भयंकर। यहां पे रुकना मना, प्रोजेक्ट दीपक वेलकम यू टू चंद्र ब्रिज। भाई यहां तो मेला लगा हुआ है नीचे, माय गॉड यार, क्या हमने इस साइड जाना है, लेफ्ट साइड, तभी मनाली मतलब। आपको जो समझ में आ रहा है इसको देख के आप वो बोलो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो आपको क्या समझ में आता है ये सीनरी देख के, क्या फर्स्ट वर्ड आपका निकलता है इस सीन देख के। देखो सही गजब, सच में देखिए आप कैसे बर्फ के डल्ले हटाए जा रहे हैं, हमको जाने का साइन दे दिया है। चलो 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 चलो, जैसे भी को सल्यूट है भाई गॉड। देखो बट मतलब क्या खा जाए, गजब है, गजब गजब है यार। और नीचे से कौन सी व्यास तो नहीं है,
पीछे से आ रही है, जैसे कि चल चल रही है। स्पीचलेस और नया वर्ड आया मेरे को, स्पेल बाउंड। इस नेचुरल जो ब्यूटी है ना, ये मतलब ये ब्यूटी तो नहीं मिलेगी कहीं। आप जब आप सच में खड़े होंगे ना, तब पता चलेगा कि हमको क्या फील हो रहा है। और आई थिंक क्या पता आप आए हो, बट सीरियसली हमको इस टाइम पे जो फील हो रहा है ना, वो हम एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हैं। मतलब इतना बढ़िया हमको लग रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत ज़्यादा सुंदर। देखिए आप, मन कर रहा वहाँ जाओ, मन तो वहीं कर रहा जाने का। अरे वाह, स्लिप हो रही होगी ना अभी। हाँ, मना कर रहे ना वहाँ जाने को। लोग फिर भी जा रहे हैं। चलो यार आगे आगे चलो चलो फिर भाई। आज का ट्रिप भी काफ़ी बढ़िया है रहा हमारा। लाते हम अभी यहीं पे, यहीं तक ही स्टॉप करते हैं इसको ना, फिर आगे का देखेंगे कहाँ जाना है। बट यहाँ बैठ गया भाई, गॉड, चारों तरफ का व्यू देखिए, गजब लगेगा आपको यार। मतलब लोगों को देखिए, अभी भी मतलब यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ है, उतनी भीड़ नहीं है पर अच्छी खासी है यहाँ पे। मतलब ऐसा व्यू कौन छोड़ेगा, सब आएंगे और फोटोज़ क्लिक करेंगे, जो कि हम कर ही रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं। देखिए कितने अमेजिंग अमेजिंग व्यू हम आपको दिखाते हैं यार। अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यार। तो गाइज, आज का सफ़र हम लोगों का इतना ही था, ठीक। तो पानी तो नहीं है, नहीं, बर्फ में चल रहा है। अभी अभी क्या चल रहा है? अभी भी कहता है कि कभी बालू में, कभी बर्फ में, कभी पानी में। तो गाइज चलो, आज का सफ़र इतना ही रखते हैं यार, बहुत लंबी हो गई वीडियो। अमेजिंग व्यू के साथ अपने ब्लॉग का एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार। क्या? हाँ, गड्ढों से जरा आराम से चलना। चलो चलो। वो बड़े अलर्टनेस के साथ चल रहा भैया। चलो, हाथ नीचे घूमो नीचे।